अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ से सारे किताबों को बांध कर यहाँ तक शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है। इससे हम सभी छात्रों को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारी लाइब्रेरी को शिफ्ट किया जा रहा है, वहाँ पे ऑलरेडी हर टाइम पे सीट का क्रंच रहता है और बुक्स की किताबों को रखने की भी जगह वहाँ पे नहीं है। कल ही पता चला हमें कि ये जो पीछे सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज़ का लाइब्रेरी है उसको बंद करके इसको स्पेशल सेंटर फॉर तमिल स्टडीज़ में बदल दिया गया है। जब पूछा गया कि CHS का लाइब्रेरी कहाँ जाएगा तो पता चला कि बगल में जो एग्जिम बैंक है लाइब्रेरी है, इकोनॉमिक्स के किताबें हैं जिसमें स्टूडेंट्स बैठते हैं, वहाँ पर शिफ्ट होगा। एग्जिम बैंक इज़ ऑलरेडी अ वेरी स्मॉल लाइब्रेरी विथ सम 40 to 50 सिटिंग स्पेसेस। आज वहाँ जब हम पहुँचे एग्जिम बैंक और CHS लाइब्रेरी, हम देखे एग्जिम बैंक की जो एग्जिस्टिंग बुक्स है उसको बांध के रखा जा रहा है, कहा जा रहा है कि उसको सेंट्रल लाइब्रेरी में शिफ्ट किया जाएगा और CHS की कुछ किताबों को एग्जिम बैंक में शिफ्ट किया जा रहा है। We don't know how these books will be handled, some of which are very rare books, and we fear that some of these might even be discarded entirely, which is very detrimental to our research interests. हमारी लाइब्रेरी को शिफ्ट करने का या छीनने का, हम लोगों से छीनने का प्रयास किया जा रहा है लगातार। हम यहाँ पे क्लियर करना चाहते हैं कि हम किसी सेंटर के अगेंस्ट में नहीं है। Since the university received funding for the separate center that they are making, we insist that the university should utilize those resources for the making of the new center rather than sequestering what spaces we already have. We had two reading rooms in our center. One of them has already been taken away, and now this library is being taken away without concerning the students who are its prime stakeholders. And the one reading room that we have is already overcrowded and it has very limited capacity. Due to this reason, we are here and we will sit here till the time the authorities don't come and talk to us and don't intimate us about the reason for doing what they are doing.